नमस्ते। हेलो, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों से ना मेरी व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी घर पे, क्योंकि काम बहुत था। साथ में गाय भी, छोटी बच्चिया दी है उसने भी, तो काम बहुत हो जाता है घर पे। आज संडे है, बच्चे भी घर पे ही हैं मेरे। जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो मन ही के बाद हम क्यों नहीं हो जाते इनके बदले बीमार। मेरा छोटा वाला लड़का 2-3 दिन हो गए, इसे बुखार है, खांसी जुकाम, ये ठीक ही नहीं हो रहा। अभी भी बहुत ज़िद लगा रखा था, मम्मी मेरे साथ बैठो, पर मुझे काम था, बाद में बैठूंगी मैं इसके साथ। कितनी प्यारी है ये, बहुत ही सुंदर है। उठ जाओ। देखो इसने पता नहीं आँख पे क्या मार दिया। देखो, और फ्रेंड्स ये हमारी गाय है। हम बछिया ही सोच रहे थे इस बार, और भोलेनाथ की दया से हमारी बछिया ही हुई है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हुई है। ये देखो, और ये हमारा कालू। देखो रोटी नहीं खाई इसने अभी, क्योंकि इसे दूध चाहिए, तो मैं इसे दूध दूंगी बाद में। जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो मैंने इसमें डाल दी, और ये कपड़े हैं तो मैं ये भी धोऊंगी, और जो बेड शीट है वो भी बहुत मैली हो चुकी थी, 2-3 दिन हो गए, तो ये धो के आगे देखिए। और झटपट से मैंने अपने बच्चों की यूनिफॉर्म धो दी, ताकि कल ये सूख जाए कल के लिए, क्योंकि मौसम कभी फोल्ड हो रहा है यहाँ पे, कभी तेज धूप, तो ना भी सूखे, इसलिए मैंने ये जल्दी से ये धोए, और मेरा काम बिल्कुल ख़त्म। फिर बाद में वॉशिंग मशीन भी साफ करूँगी। तो इनकी चटनी बना रहे हैं, इन्हें यहाँ पे ना कचरी कहते हैं, और ये उससे इतनी अच्छी नहीं बनती, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं, इसलिए इन्हीं के पास बनवाई मैंने ये। हमने इसमें बिल्कुल भी प्याज का, बिल्कुल भी प्याज का तड़का नहीं लगा रखा, बस लहसुन काट के और टमाटर, जो हरी मिर्च वो पहले ही हम इसमें कूट चुके थे, और हम इसे आज तड़के वाली चटनी बनाएंगे। इन्होंने थोड़ा धनिया डाल दिया इसमें पिसा हुआ पाउडर, और ऐसे में ये बहुत ही अच्छी बनती है। इसे ना दही के साथ भी बना सकते हैं बिना चौंके, तब भी ये बहुत अच्छी बनती है। पर वो कहते हैं ना टेस्ट जिस चीज़ में आता है, तो वो इसमें आता है, देसी घी का तड़का लहसुन के साथ, तो बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करें घर पर। और ये हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तभी हम लौकी वगैरह डाल देंगे, और ये हमारा रायता है, इसमें मैं थोड़ा जीरा वगैरह देंगे, तो देख लो आप आगे। तो ये ना मैंने जो जीरा है वो भूंदा है, कई इसमें तड़का भी लगा के बनाते हैं, पर मैंने इसे ऐसे ही बनाया, क्योंकि जल्दी बहुत ही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, खाना बच्चों को भी भूख लगी थी, तो इसे तड़के वाला भी बना के मैं फिर दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल ये बन के तैयार हो चुका है मेरा लौकी। तो ये मैंने सारे तो कपड़े धो दिए अपने, मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म से काम था, बर्तन सब धो के। कैसे सो रखे हैं, ये फिल्म देख रहे अभी। अभी नहा के और सारा काम मैंने अपना जो घर का डेली रूटीन है वो करके, और मैं अभी बिल्कुल से फ्री हो चुकी हूँ। और ये देखो मेरा सूट कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा इसका। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो भी ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।